नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केरल की प्रार्थना सभा में हुए 3 धमाके, 1 की गई जान, 52 हुए घायल। त्रिशूर में एक शख्स ने सरेंडर किया, बोला मैंने रखा था बम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है केरल से। केरल के अरनाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए, इनमें 1 की मौत और 52 लोगों के घायल होने की खबर है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक काला मासेरी में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9 बजे के करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसका दावा है कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में धमाका किया था। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। हालांकि मार्टिन ने अभी तक यह नहीं बताया कि किस वजह से उसने यह धमाके किए। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। दोस्तों इससे पहले कन्नूर पुलिस ने भी एक व्यक्ति को उसके बैग में संदिग्ध सामान मिलने के बाद हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि वह झारखंड का रहने वाला है। वह मंगलुरु के एरिकोड जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरदार पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की रखेंगे नींव, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 105वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान पीएम ने 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत नामक एक संगठन की नींव रखे जाने की घोषणा की, जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में देश के युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने का सर प्रदान करेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में खादी से जुड़े उत्पादों की बिक्री में हुए इजाफे का भी हवाला दिया है। उन्होंने देशवासियों से एक बार फिर अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है कांग्रेस। सीएम शिवराज सिंह ने कहा बीजेपी 3 दिन दिवाली मनाएगी। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 अक्टूबर को मधुबनी से नामांकन दाखिल करने वाले। उससे पहले 29 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी 3-3 दिवाली मनाएगी। एक दिवाली आ रही है, राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान राम उस दिन से अयोध्या में सबको दर्शन देंगे। तीसरा, मन में पक्का अटल भरोसा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कमल का फूल हमारा चेहरा है, नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है, इसमें क्या बात है। बीजेपी हर कार्यकर्ता को दायित्व देती है, मुझे चुनाव जिताने का जिम्मा दिया गया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। देश के मन में, दुनिया के मन में और एमपी के मन में मोदी है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें झूठ बोलना सिखा रही है और उन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ बोली केस फॉर क्यूरी के आरोप फर्जी, अडानी के खिलाफ बोले तो दर्शन को रिश्वत दूंगी। बीजेपी ने कहा चोरी ऊपर से सीना जोरी। जी हां दोस्तों, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में गिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बताया। महुआ ने एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के केस फॉर क्यूरी के आरोप फर्जी हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। महुआ ने यह भी कहा कि अगर दर्शन हीरा नंदानी अडानी के खिलाफ बोले तो मैं उन्हें रिश्वत देने को तैयार हूं। टीएमसी सांसद के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, महुआ सबको मूर्ख समझती है, उन्हें जांच पूरी होने तक रिजाइन दे देना चाहिए। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। महुआ ने मामले में पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलने पर कहा कि टीएमसी का फोकस देश हित के मुद्दों पर है, उसे फालतू कुत्तों की कस्टडी या मुझ पर पैसे लेने के आरोप सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसे कोई भी साबित नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुलह की कोशिशों के बीच इजराइल ने हमास पर तेज कर दिए हमले, कतर ने रखा बातचीत का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच जंग का 23वां दिन खत्म हो गया। एक ओर जहां इजराइल सेना गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है, वहीं इस जंग को खत्म करने के लिए कतर की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच बातचीत भी चल रही है। कतर 3 सप्ताह से अधिक समय से पर्दे के पीछे से कूटनीति कर रहा है। शांति को बढ़ावा देने और गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए 200 से अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के अधिकारियों और इजराइल से बात की जा रही है। पिछले सप्ताह कतर की मध्यस्थता से 2 अमेरिकी बंधकों, एक मां और बेटी और साथ ही 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया गया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाजा पर जमीनी हमले के दौरान भी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम उन्हें घर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामास्वामी बोले हमास कमांडो के सिर काटकर बॉर्डर पर लटकाएं, 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर नहीं होगी, ट्रंप ने कहा मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दूंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी ने कहा कि इसराइल को हमास का खात्मा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, हमास के 100 नेताओं के सिर काटकर उसे गाजा बॉर्डर पर लटका देना चाहिए, ये इस बात का प्रतीक होगा कि इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा नहीं हो सकता, इसके बाद ही इसराइल को अपनी सीमा पर डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर IDF को मौका मिले तो वो अकेले इसराइल की रक्षा कर सकती है, मैं निजी तौर पर इस ऑपरेशन की सफलता की कामना करता हूं, इसराइल को अपनी रक्षा और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। वहीं दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो पहले दिन से ही मुस्लिमों पर ट्रेवल बैन लागू कर देंगे। शनिवार को रिपब्लिकन यहूदी सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को अपने देश से बाहर रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI की स्कीम्स के बारे में बताएंगे। MS धोनी देश के सबसे बड़े बैंक ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि अब धोनी SBI की योजनाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। बैंक की ओर से इस संबंध में शेयर की गई जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों PTI की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भले ही कितनी भी तनावपूर्ण स्थिति क्यों ना हो, ऐसे समय में भी संयम बनाए रखने की महेंद्र सिंह धोनी की उल्लेखनीय क्षमता के साथ ही उनकी स्पष्ट सोच और दबाव की स्थिति में फटाफट सही निर्णय लेने की क्षमता अब भारतीय स्टेट बैंक के साथ होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा के अस्पताल बने गोला बारूद डिपो, अल शिफा है हमास का हेडक्वार्टर, इसराइल ने जारी किया आतंकियों का बयान। जी हां दोस्तों, इसराइल सुरक्षा एजेंसी शिन बेंटी द्वारा जारी हमास आतंकवादियों से पूछताछ के एक वीडियो के अनुसार हमास गाजा में अस्पतालों को कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें गोला बारूद डिपो में बदल दिया गया है। इस वीडियो को विशेष रूप से न्यूज 18 द्वारा एक्सेस किया गया है। दोस्तों इजरायली सेना ने दावा किया है कि शनिवार को जारी किए गए वीडियो में दिख रहे लोग हमास के आतंकवादी है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में भाग लिया था। वीडियो में एक आदमी कहता दिख रहा है कि ज्यादातर सुरंगें अस्पतालों में छिपी हुई है, वहां अनेक अंडरग्राउंड लेवल हैं। अल शिफा अस्पताल छोटा नहीं है, यह एक बड़ी जगह है जिसका इस्तेमाल चीजों को छिपाने के लिए किया जा सकता है। उसने आगे कहा कि अल शिफा अस्पताल कई विचारों के साथ बनाया गया है क्योंकि हम जानते थे कि चिकित्सा संस्थान पर दुश्मन हमला नहीं करेंगे, हम शिफा अस्पताल में उपकरण विस्फोटक और अन्य सामग्री रखते हैं। शख्स के मुताबिक हमास सिर्फ अपनी गाड़ियों में ईंधन भर रहा है और किसी को मिश्र भी नहीं जाने दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल धमाके बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट, चर्च मेट्रो स्टेशन समेत कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, केरल के एक कन्वेंशन सेंटर में रविवार को हुए धमाके के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के गिरजाघरों के आसपास और मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य बाजारों, गिरजाघरों, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से सटे इलाकों पर पुलिस दलों को नाकाबंदी करने के लिए सूचित किया गया है। सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों, मोटरसाइकिल चालकों और PCR को सतर्क रहने के साथ ही प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी को नजरअंदाज नहीं करने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिंदे अयोग्य हुए तो भी हमारे CM रहेंगे, उन्हें MLC बनाएंगे, विधायकों की अयोग्यता मामले की चर्चा के लिए स्पीकर दिल्ली गए हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों की अयोग्यता मामले पर बयान दिया है। उन्होंने मराठी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उनका केस मजबूत है, अगर ऐसा हुआ भी तो वो अपना कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगे, हम उनका पद बरकरार रखने के लिए MLC के रूप में चुन लेंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्यता मामले पर चर्चा के लिए रविवार 29 अक्टूबर को दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि विरोधी धड़े यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई है उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समय सीमा निर्धारित करे, अयोग्यता की याचिकाओं पर जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बनाना था शतक का रिकॉर्ड, 0 का बना गए, कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 34वीं बार 0 पर आउट हुए, यहां भी सचिन की बराबरी की। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया के फैंस विराट कोहली के वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी की बाट जो रहे हैं। अगर विराट ऐसा करते तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते। ऐसे में दोस्तों शतक बनाना तो दूर की बात है, विराट कोहली एक रन भी नहीं बना सके, वे 9 गेंदों पर बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर ही आउट हो गए। हालांकि
हालांकि इसके बावजूद उन्होंने सचिन के यूनिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दरअसल दोस्तों विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 513 मैचों की 569 पारियों में 34वीं बार जीरो पर आउट हुए हैं, जबकि सचिन 664 मैचों की 782 पारियों में 34 बार जीरो पर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी प्लान के बावजूद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, नोएडा गुरुग्राम में AQI लेवल 341 पहुंचा, अगले 3 दिन में खतरनाक हो सकते हैं हालात। जी हां दोस्तों, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। रविवार यानी कि 29 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 221 से 341 के बीच रिकॉर्ड किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर प्लान बनाया था, बावजूद इसके हवा और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के इन पॉइंट्स को लागू किया जा रहा है, रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ इसका ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों सरकार के किसी भी प्लान का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि मानव के लिए सांस लेने के लिहाज से बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिल्ली की हवा को लेकर पूर्वानुमान भी लगाया है। दिल्ली में अलग अलग दिशाओं से 4 से 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसका मतलब है कि प्रदूषण बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको भी हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है, इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, गाजा में स्टारलिंक इंटरनेट देंगे एलन मस्क, इजराइल बोला ऐसा नहीं होने देंगे, हमास आतंकवादी इसका इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों इसराइल और हमास के बीच में जमकर युद्ध चल रहा है और हमास की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। गाजा पट्टी में इंटरनेट की सेवाएं और खाना पानी की सेवाएं पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसी बीच इसराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर स्लोमो करही ने एलन मस्क के गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा का विरोध किया है। स्लोमो करही ने कहा कि इसे रोकने के लिए इसराइल अपनी सभी साधनों का उपयोग करेगा, हमास इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकता है। एलन मस्क ने अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज के उस पोस्ट में रिप्लाई करते हुए गाजा को इंटरनेट देने की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2.2 मिलियन की आबादी के लिए कम्युनिकेशन बंद करना अनएक्सपेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 नवंबर को रिलीज होगा इंडियन 2 का इंट्रो, मेकर्स ने शेयर किया नया पोस्टर, 1996 में रिलीज हुई फिल्म इंडियन की है सीक्वल। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की अगली फिल्म इंडियन 2 है, इस फिल्म का इंट्रो 3 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। रविवार को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेकर्स ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जश्न शुरू हो चुका है, तैयार हो जाइए इंडियन 2 के इंट्रो के लिए जो 3 नवंबर को रिलीज होगी। करीब 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म में कमल हसन करप्शन के खिलाफ लड़ते नजर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में 2 दिन रिसर्च करेगा चीन का जासूसी जहाज, श्रीलंकाई नौसेना ने मंजूरी दी, भारत को आपत्ति, शिप को चीनी सेना ऑपरेट करती है। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, इससे भारत की चिंता बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों चीन का शियान 6 श्रीलंका में 25 अक्टूबर से डेरा डाले हुए है, श्रीलंकाई नौसेना ने इसे मरीन रिसर्च करने की परमिशन दे दी है। चीन का यह जहाज कल से यानी कि 30 अक्टूबर से रिसर्च शुरू करेगा, इसकी मरीन रिसर्च 2 दिन चलेगी। कोलंबो पोर्ट पर लंगर डाले इस चीनी जहाज से भारत को जासूसी का खतरा है। चीन ने नई दिल्ली में सितंबर में हुई G20 बैठक के बाद अपने सर्वे शिप के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद श्रीलंका की नौसेना ने रक्षा और विदेश मंत्रालयों को सिफारिश भेजी थी। पिछले साल चीन का युआन वोंग 5 रिसर्च के नाम पर श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पहुंचा था, इसका भारत ने विरोध किया था। बावजूद इसके अब 1 साल बाद चीन ने रिसर्च के नाम पर अपना एक और एडवांस शिप श्रीलंका भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण के समर्थन में शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के हिंगोली से शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने मराठा आरक्षण के समर्थन में लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को रविवार को अपना इस्तीफा भेजा। हेमंत पाटिल बीते दिनों उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने नांदेड़ से एक सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद अस्पताल के डीन से शौचालय साफ करवाया था। पाटिल के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सियासत में नया ट्विस्ट, चुनाव में ओवैसी ने मारी एंट्री, बागी कांग्रेस नेताओं को दिया टिकट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है। AIMIM की एंट्री मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अल्पसंख्यक बहुल बुरहानपुर से हुई है। पार्टी ने यहां कांग्रेस की ओर से अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीज मनसा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद
से बुरहानपुर पहुंचने पर नफीस मंजा खान का बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम जन्मभूमि आंदोलन सिखों ने शुरू किया था, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश उत्सव में बोले राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार यानी कि 29 अक्टूबर को गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश वर्ष पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित आलमबाग गुरुद्वारे में मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिख समुदाय ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सिख ही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया और उनके योगदान को कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को लगातार दूसरे दिन मिली धमकी, इस बार मेल भेजने वाले ने 200 करोड़ रुपए मांगे, एक दिन पहले 20 करोड़ मांगे थे। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। शनिवार को उन्हें मिले ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके पहले शुक्रवार यानी कि 27 अक्टूबर शाम को इसी मेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक मेल में कहा गया है कि देश के बेस्ट शूटर्स से उसको मरवा दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक उसी अकाउंट से आए मेल में है कि हमारे ईमेल का जवाब नहीं मिला, इसलिए अब रकम 200 करोड़ है, ये नहीं मिले तो डेथ वारंट पर साइन तय समझो। इससे पहले 27 अक्टूबर के ईमेल में लिखा था कि इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीस वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गाम देवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब दोस्तों दूसरा मेल भी आ गया है जिसमें 200 करोड़ की डिमांड की गई है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गृह मंत्रालय ने मुकेश अंबानी को Z प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है। इस सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी स्वयं करते हैं। इसकी लागत खर्च लगभग 40 से 45 लाख रुपए प्रति महीना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के कौन से पड़ोसी देश के युवा अपनी सेवाएं भारतीय सेना को देते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश ऐसा है जिसके युवा भारतीय सेना में नौकरी कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस देश का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।